विधायक दुष्यंत चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में और पूर्व उपनगर प्रमुख दीपक पोयनेकर के नेतृत्व में विद्युत विभाग के टिकाड़ी को ज्ञापन सौंपा गया। वार्ड नंबर 34 में साई संजीवनी सोसाइटी में बिजली के पोल नहीं है और इसका खामियाजा निवासियों को भुगतना पड़ रहा है। इससे पहले इस मामले की जानकारी वार्ड नंबर 34 के पार्षद खेकरे वो विधायक मोहन मते को दी गई थी। मोहन मते ने स्थल का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य करने के निर्देश दिए। हालांकि किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी के मद्देनजर आज शिवसेना की ओर से टिकाड़े को एक ज्ञापन सौंपा गया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि एक महीने में पोल लगवा दिए जाएंगे। इस अवसर पर विनोद शाहू, शैलेंद्र आंबेलकर, कार्तिक नारनवरे व नागरिक उपस्थित थे। मी दीपक बोलेकर, माजी उपशहर प्रमुख दीपक शिवसेनेमध्ये। आज विषय असा होता की साई संजीवनी जी सोसायटी आहे तिथे इलेक्ट्रिक पोल नसल्यामुळे त्याच्या पत्राद्वारे आम्ही जे प्रभाग 34 शशांक ठेकरे आहे त्यांना, तसंच तुकडोजी स्क्वेअरमधले अधिकारी त्यांनाही, आणि त्याचप्रमाणे आमदार मोहनजी मते यांनाही या म्हणजे विषयाचं निवेदन दिलं होतं। त्यांनी तिथे येऊन पाहणी केली आणि तिथे लवकरात लवकर इलेक्ट्रिक पोल लावून दिली अशी त्यांनी म्हणजे आम्हाला हमी पण दिली। आणि आज आम्ही त्याच विषयाला घेऊन एखाद्या सर यांनाही त्याची माहिती दिली संपूर्ण, आणि त्यांनी आम्हाला 100% म्हणजे एक महिन्याच्या आधी, एक महिन्याच्या लवकरात लवकर कालावधीमध्ये तिथे इलेक्ट्रिक पोल लावून देते अशी त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं आहे।